राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। विनायक चतुर्थी को संकष्टि चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गणेश जी की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विनायक चतुर्थी के विषय में। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी की डेट क्या है और इस दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, महत्व क्या है, पूजा की विधि क्या है, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, कौन से पाठ करने चाहिए, ऐसी सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी 10 जून 2024 को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गणेश जी की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही सभी कार्य सफल होते हैं। इस माह ये व्रत 10 जून को रखा जाएगा। इस अवसर पर श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और जो लोग व्रत रखते हैं वो तो करेंगे ही पूजा, साथ ही जो लोग व्रत नहीं करते हैं और वो गणेश जी का पूजन करना चाहते हैं, गणेश जी उनके आराध्य हैं, तो वो भी बहुत ही सुंदर विधि के साथ गणेश जी की पूजा अर्चना करें। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ वस्त्र पहने, काले नीले वस्त्रों के रंगों का प्रयोग ना करें। साथ ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद अपने घर के मंदिर में गणेश जी का पूजन करें। चाहें तो अलग चौकी लगाकर भी गणेश जी की प्रतिमा या फिर तस्वीर स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत का भोग लगाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं, गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं, मोदक का भोग लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अक्षत चढ़ाएं, चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं, भगवान को जनेऊ भी अवश्य ही अर्पित करें। और यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत के नियमों में तो वैसे निर्जल व्रत ये रखा जाता है, लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है कि आप निर्जल व्रत कर सकें तो आप फलाहार लेकर भी व्रत कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी के व्रत में चंद्रदेव के दर्शन भी किए जाते हैं, तो चंद्र पूजा भी आवश्यक होती है। आप गणेश जी का व्रत करें, रात को चंद्रमा का पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ दें, उसके बाद अपने व्रत को खोलें। इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरह से गणेश जी का व्रत करें। तो इस गणेश जी के व्रत में यदि आप अथर्व शीर्ष स्तुति का पाठ करते हैं तो बहुत अधिक शुभ फलदायी माना जाता है। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का बहुत अधिक महत्व होता है। यह दिन बुद्धि के स्वामी गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित है। इस तिथि को संकष्टि चतुर्थी के नाम से भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गणेश जी की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही सभी कार्य सफल होते हैं। इस माह ये व्रत 10 जून 2024 को रखा जाएगा। इस मौके पर श्री गणेश जी की स्तुति, गणपति अथर्वशीर्ष स्तुति का पाठ करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। आज की वीडियो में हम आपको गणपति अथर्वशीर्ष स्तुति बताएंगे करके कि क्या है, तो आप चाहें तो हमारी इस वीडियो में भी सुन सकते हैं 10 तारीख को, और चाहें तो स्वयं किसी पुस्तक से कर सकते हैं। गणेश जी की कथा भी करें और कथा भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, और साथ ही गणेश जी की आरती करें।
इस तरीके से आपका व्रत होता है संपन्न। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है हमारे घर में, चाहे किसी का विवाह हो, चाहे किसी भूमि का पूजन हो, चाहे किसी भी तरह का कोई आप भंडारा करवाएं, कोई भी यज्ञ हवन हो, सबसे पहले गणेश जी की स्तुति, उनका पूजन करना अनिवार्य होता है। बिना गणेश जी के पूजा के कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होता है। गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। गणेश जी के बिना कोई भी पूजा सफल मानी ही नहीं जाती है। तो आप गणेश जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसी प्रकार से प्रत्येक पूजा पाठ में, प्रत्येक शुभ कार्य में भगवान गणेश जी से यही प्रार्थना की जाती है कि बिना विघ्न के सारे कार्य पूर्ण हो, सब कुछ मंगल हो। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं गणपति अथर्वशीर्ष स्तुति। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो सभी लोग गणेश जी का ध्यान करते हैं, ध्यान करते हुए स्तुति को सुनेंगे। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अब त्वं माम अववक्तारं अवश्रोतारं अवदातारं अवधातारं अवानुचानं वशिष्यं, अवपश्चातात् अवं पुरस्तात् अवोत्तरातात् अव दक्षिणातात् अव चोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मय च त्वं चिन्मय, त्वं वाङ्मय च त्वं ब्रह्ममया, त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयो असि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि। सर्वजगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वजगदिदं त्वत् स्तिष्ठति, सर्वजगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वजगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापोन लो अनिलो नभा, त्वं चत्वारि वाक् पदानि, त्वं गुणयत्र यातीत, त्वं वस्थात्र यातीत, त्वं देत्र त्वं देह त्रयातीता, त्वं कालत्र यातीता, त्वं मूलाधार स्थितो असि नित्यं, त्वं शक्ति त्रयात्मकः, त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं शक्ति त्रयात्मकः, त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्ववासुरोम। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनंतर अनुस्वारापरतरा अर्धेन्दु लसितं तारेण रिद्धं एवत्तो मनस्वरूपं गकारा पूर्वस्वरूपं अकारो मध्यरूपं अनुस्वारश्चान्ते रूपं बिंदुरुत्तर रूपं नादासंधानं संहिता संधि सैषा गणेश विद्या गणका ऋषि निद्र निच्र द्रायत्री छंदा गणपति देवा ओम गम गणपतये नमः। अब गणेश जी की बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। आप लोग सभी मिलकर साथ में स्तुति कीजिएगा। गाइए गणपति जग वंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जग वंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जग वंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता,
विद्यावारिधि बुद्धिविधाता विद्यावारिधि बुद्धिविधाता गाइए गणपति जग वंदन शंकर सुभन भवानी के नंदन मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसही राम सिए मानस मोरे बसही राम सिए मानस मोरे गाइए गणपति जग वंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही शॉर्ट में एकदम छोटी सी स्तुति है गणेश जी भगवान की। इस स्तुति के साथ भगवान गणेश का यदि आप पूजन करते हैं तो भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब लास्ट में हम आपको एक उपाय बता देते हैं, क्षमा कीजिएगा, कि प्रत्येक गणेश चतुर्थी या फिर बुधवार को भी आप ये उपाय कर सकते हैं, जैसी आपको सुविधा हो। दिन आपको स्वयं चुनना है अपनी सुविधा के अनुसार। तो आप बुधवार को या फिर महीने में जो भी दो गणेश चतुर्थी आती हैं उन दिनों में आपको करना क्या है, आपको भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ानी है, एक दीप प्रज्वलित करना है। मंदिर जाके कीजिएगा ये काम, और ज़्यादा नहीं दो लड्डू आप बेसन के भी ले सकते हैं और मोतीचूर के भी ले सकते हैं कोई भी, और यदि आपके शहर में मोदक मिलते हो तो आप वो भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको लड्डू लेना है, मोदक लेना है, मतलब कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, और पुष्प ले लीजिए या फिर पुष्पों की माला ले लीजिए, और दूब घास जो होती है दूर्वा, उसमें ज़रूरी नहीं है आप 21 या 101 दूर्वा आप चढ़ाएं, आप केवल 3 दूर्वा लें। और उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक दूर्वा में 3 गांठें हों बनी हुई, ऐसी दूर्वा ली जाती है। तो 3 दूर्वा और ये दीप प्रज्वलित करके गणेश जी का मंत्र बोलते हुए, या फिर आप जय गणेश भी बोल सकते हैं। यदि आप गणेश जी का ये उपाय करके अपनी कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए कामना करते हैं तो भगवान गणेश शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और देखिए, कोई भी प्रार्थना करने से पहले ना भगवान से आपको एक बात बोलनी चाहिए कि यदि हमारे लिए ये अच्छा हो तो ये करना भगवान, वरना जो हमारे लिए सबसे अच्छा हो आप से ज़्यादा कौन जानता है, आप ही तो संसार बनाने वाले हो, मनुष्य को जीवन देने वाले हो, तो आप जो हमारे लिए अच्छा हो वही करना, ठीक है। इस तरह से आप यदि करते हैं तो भगवान आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। जिस तरह से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी अपने भक्तों की सुनते हैं, उसी प्रकार से गणेश भगवान भोलेनाथ से भी ज़्यादा जल्दी अपने भक्तों की सुनते हैं। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की, राधे राधे, कमेंट में लिखते रहिए। जय माता की, राधे राधे।